घाट उतार दिया। शराब के नशे में धुत होकर पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। दो दिनों से अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। आज महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पेंशन के पैसे को लेकर शराबी बेटे ने मारपीट की थी, ये जानकारी है। उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मार मार कर उसको अधमरा किया गया और उसके बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पर महिला ने जान दे दी है। कल उसके बेटे की करतूत, अपनी की मां की हत्या। शराब के नशे में धुत था, उसके बाद घर आया, पीट पीट कर अधमरा किया। दो दिनों से ही अस्पताल में लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि महिला की जान बचाई जाए इलाज के दरमियान, लेकिन खबर यह है दम तोड़ दिया है। और अब पेंशन के पैसे को लेकर कहा जा रहा है शराबी बेटे ने मारपीट की थी, और लगातार पेंशन के पैसे को लेकर ही अक्सर विवाद भी होता था। मारपीट हुई, उसके बाद हालत गंभीर, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं से खबर ये कि महिला ने दम तोड़ दिया है। उद्योग नगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल भी कर रही है कल्लू के बेटे की तलाश में। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर एसआरएन जुड़ चुके हैं। अब भंवर, दो दिनों से महिला अस्पताल में भर्ती थी, कोशिश यही कि महिला की जान बचाई जाए, लेकिन दम तोड़ दिया है। अभी तक आरोपी बेटे की गिरफ्तारी हुई क्या? देखिए, आरोपी बेटा अभी भी फरार है, लेकिन अपने आप में बहुत चौंका देने वाला ये पूरा मामला है। जब एक कलियुगी बेटे ने अपनी ही माँ को पहले ईंटों से मार मार के अधमरा कर दिया और बाद में उसे छोड़ करके भाग गया, अस्पताल में देखने तक नहीं पहुंचा, और अस्पताल में लगातार जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए जो बुजुर्ग महिला है उसने आज दम तोड़ दिया। फिलहाल मैं मोर्चरी के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ जो परिजन और जो रिश्तेदार हैं मृतका महिला के वो पहुंचे हैं। कुल मिला के मृतका के दो बेटे थे, शशिकांत और रविकांत। शशिकांत ने हरकत की है, रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत जी, कैसे ये हो गया? आपने हमें विश्वास नहीं होता कि एक बेटा ही माँ को मार सकता है। जब तक तो जानकारी तो नहीं दे सकता, मैं भी बाहर रहता हूँ। हाँ, लेकिन यह है कि आदम शराबी तो उठाई से, और हो सकता है उसने मारपीट की हो या पड़ोसी बता ज़्यादा आ गया। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आदम शराबी होने की वजह से कोई भी कर सके। आतंक शराबी होने की वजह से परिवार परेशान होगा, ये बात है। माँ से पहले भी मारपीट की थी? माँ से पहले तो नहीं की, लेकिन माँ भी थोड़ी मानसिक रूप से अस्वस्थ है जी। उसका भी रेगुलर काफ़ी टाइम से इलाज चला था। अच्छा। और मैं अभी इसको 15 दिन पहले दवाई गोली दिलाई है, गोली से पहले मिल के गया हूँ, उसके बाद में चली गया था। मेरे को सूचना मिली कि एक्सपायर हो गई, तो मैं आया तो यहाँ एडमिट। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपने कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट वगैरह दी है? आप भी रिश्तेदार हैं जो महिला नहीं रही? चाची लगती है वो। अब ये भी है कि भाई वो तो खैर शराबी तो था ही सही, वो तो अब हो सकता है। मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि भाई उसी ने मारपीट की है, क्योंकि उस पर हमने खुद ने देखा था, उसके सिर पे यहाँ लग रही थी, इधर सिर में जगह जगह लग रही थी, इधर लग रही थी, तो फिर वो तो मारपीट का हो सकता है। और क्या, तो पहले भी इसने माँ से मारपीट की थी कैसे? भाई मोहल्ले वाले तो बताते हैं कि अब ये तो देखो मोहल्ले वाले बता सकते हैं, बाकी हमको तो इतना। तो आप देखिए कि मामला कुछ इस तरह का है कि दो बेटे हैं मृतका के, एक बेटा बाहर रहता है, दूसरा बेटा उसके साथ रहता है। जो बेटा साथ इस तरह से मारपीट करता है लगातार उसकी